frequencies. हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये चार टॉप दो बेस का सेटअप। बेसिकली डिफरेंस होने वाला है, इससे पहले आपने 21 इंच तो देखी होगी लेकिन यहां पे ये 21 इंच भी थोड़े से डिफरेंट है, ये टॉप भी थोड़े डिफरेंट है। अगेन ये कस्टम पूरा करा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं ये वी मैक्स वाले टॉप आपको देखने को मिलाते हैं डायनामाइट के। अगेन 21 इंच की 4000 वाट की जो है बेस है, लेकिन बेस इस बार हमने कोशिश करी है कि कवर में आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर के साथ में ही मंगाया कि मैं आपको एक अलग चीज़ भी दिखा पाऊँ इसके अंदर जो कि कंपनी ने करा है। और बात करूँ एम्पलीफायर, वहाँ पे देख लो भाई पूरे यहाँ पे जाइफर के आपको एम्पलीफायर देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मज़ा बहुत आएगा आज के इस वीडियो में और टेस्टिंग जरूर देखे जाना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ इस सेटअप में मिल क्या क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें डिटेल के अंदर आपको एक बार ही समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी टॉप की। तो टॉप बेसिकली यहाँ पे आपको वी मैक्स टॉप देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमने लवाचे के स्पीकर डाले हुए हैं 800+800 वाट के, और यहाँ पे एक HF रखा हुआ है 120 वाट का। इसके अंदर जो है हमने HF रखा हुआ है। लवाचे के स्पीकर के बारे में पता है कि यार ये इटालियन ब्रांड है, काफ़ी अच्छा नामी ग्रामी यहाँ पे इसको ब्रांड माना जाता है। किसी भी स्पीकर के आप इसको पकड़ के देख लीजिए, यानी सिलेक्टिव स्पीकर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मॉडल के अंदर 10 स्पीकर निकाल दिए, नहीं, एक मॉडल में एक स्पीकर लेकिन वही ऐसा स्पीकर होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल टॉपर, यानी बिल्कुल तगड़ा ही स्पीकर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 800+800 का स्पीकर हो जाता है। एक टॉप की बात करूँ यहाँ पे RMS, तो 1600 वाट की आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आप कैबिनेट की क्वालिटी चेक कर लो भाई, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेक्स ही पेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हैंडल्स भी यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा आपको एलन बोल्ट्स के अंदर टाइट देखने को मिलेंगे। हैंडल के अंदर भी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रखा है। ग्रिल अगेन यहाँ पे इंपोर्टेड हो जाती है, ये 16 गेज की ग्रिल आपको देखने को मिलती है। इस साइड से और ज़्यादा बेटर व्यू आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो ये पूरा सेंटेक्स इसका पेंट हो जाता है, ये देख लो। और सारे ही यहाँ पे ग्रिल्स को जो है वो एलन बोल्ट्स में जो है वो टाइट करा गया, ये देख लो। सारी बैक प्लेट की बात करूँ तो बैक प्लेट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख लो ये हो जाता है इसका बैक प्लेट। और अगेन ये डमी स्विच हमने दे रखा है। आप लोग बोलते हो कि भाई एग्जैक्टली हमको वी मैक्स जैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे सारे ही एग्जैक्टली हमने रखने की कोशिश करी है। और ये हो जाता है, ये चार टॉप है इसके अंदर लगे हुए। ये चार टॉप का रीज़न क्या था देने का, एक तो साइज़, और दूसरा यहाँ पे जो इनका चोकोर बॉडी होता है ये गाड़ी पे बंधने में थोड़ा सा आसानी देते हैं, बजाय कि यहाँ पे अगर आप 725 लेते हैं तो इनमें अगर कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा इजीली यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद चार टॉप है, यानी एक टॉप जैसे बताया 16 16 32 32 6400 वाट तो यहाँ पे हो गया। बेस की बात करूँ तो यहाँ पे डायनामाइट का आपको बेस मिल जाता है। अब बेस दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी फिटेड है। अगेन आप सभी को मालूम है यार ये कंपनी फिटेड बेस के लिए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट बैलेंस है। यहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं। और कवर जैसे कि बताया ना कुछ डिफरेंट है इसके लिए, बाकी ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि इसमें मैं आपको स्पीकर कौन सा दे रहा हूं, बहुत सारी डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल में जो कवर है इसके साथ में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पे कवर भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया अपने डायनामाइट के, और यहां पे ये पूरा एम्बोर शो रखा है। ये साइड के इसका हैंडल हो जाते हैं, अगेन वही जंबो हैंडल जो ज्यादातर पुणे में चलता है। ये पूरे मैं कहूंगा भाई ये पुणे वाली ही बेस आप समझना, ये पुणे वाली बेस होती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि भाई जब आप ये सोच रहे हो कि मैं स्पीकर लूज ले लूं 21 इंच का और कैबिनेट में खुद बना लूं, वो रिस्पांस नहीं आता। मैंने भी ट्राई करा है खुद और वो रिस्पांस नहीं आता है, तो इसलिए हम कभी भी यहां पे कस्टमर को सजेस्ट करते हैं तो कंप्लीट ही यहाँ पे बेस को सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दो बेस हो जाती हैं, चार टॉप हो जाते हैं। बात करूँ एम्पलीफायर की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करूँ दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर में कस्टमर ने यही बोला कि अपने को एक ही सीरीज रखनी है, यानी जाइफर ही रखना है। और जाइफर में फिर नाम आ जाता है तो फिर टॉप के अंदर जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कूल एम्प आ जाता है। अब इस टॉप के लिए अगर मैं बात करूँ 1600 वाट, तो ये कूल एम 5 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इसके पावर के अकॉर्डिंग। और खास करके इस एम्पलीफायर की बात करूँ तो कस्टमर का ये भी था कि आगे अगर मैं कुछ लोड ऊपर नीचे करूं या टॉप को मैं चार बढ़ाऊं या कुछ किसी भी तरीके से मैं उसको कस्टमाइज़ करूं तो ऐसे एम्पलीफायर मिल रहे हैं कि मेरा सारे ही काम हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे बेस के अंदर DS सीरीज़ दी है ताकि अगर एक बेस दो टॉप भी अगर आप रन करना चाहो तो ईजिली इस पर हो जाए। बेस अगेन मैं बता दूं भाई ये टोम्स की बेस होने वाली है और DS10 जो टोम्स पर निकलता है 5500 वाट आपको आउटपुट दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे DS10 को दिया गया है। और इसके लिए जो DS10 के साथ में यानी दो तो आपको आपके टॉप के हो जाते हैं, 4-4 ओम्स पे ही लोड चल रहा है सारा ही, सिवाय सिर्फ बेस को छोड़ के। बेस भी यहाँ पे स्टेबल है, इस बात का ध्यान रखना भाई। और काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पे DS10 के साथ में ये वाली बेस, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्रॉसओवर यहाँ पे देख लो, ये हो जाता है DBX का 234। क्रॉसओवर की जगह पे अगर आप और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे डिजिटल क्रॉसओवर या स्टोन वाटर का DC48 ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप इतने सेटअप के अंदर प्राइजेस को इकट्ठा कर रहे हैं। अगेन ये सेटअप कंप्लीट है इसलिए बस जस्ट मैंने दिखा दिया, नहीं तो मैं DC48 के साथ दिखाता। अब आज यहाँ पे मिक्सर में बेसिकली ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए
अंदर DDJ3 लगा रहा हूँ, मेरे पास बतेरे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप अपने मनपसंद से जो मिक्सर चाहें वो ले सकते हैं। बस वायर के अंदर एक बात का थोड़ा ध्यान रखना कि बेस के अंदर जो है वो 4 square mm का ये वाला वायर आपको डालना है और इससे 4 square mm से कम की वायर आप मत डालिएगा। ये देख लीजिए 4 square mm का यहाँ पे आपको वायर देखने को मिल जाता है और इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बेस के अंदर जो वायर हो वो 4 square mm का हो। बाकी इसकी सारी वायर्स हो जाती हैं जो कि हाई क्वालिटी के वायर्स हम दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे ये देख लो, ये हो जाती हैं BSM की XLR वायर्स, ठीक है ना, ये भी BSM की हम ब्रांडेड ही दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पे कोई कंजूसी की कोई क्षमता ही नहीं छोड़ी हमने और सारे ही फ्लैट केस में आता है ये सारे एम्पलीफायर्स। बाकी कवर्स का ऑप्शन है आपके पास कि कवर्स आपको एक्स्ट्रा पैसे देके इनके कवर्स चाहिए नहीं चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। रहती है इसकी टेस्टिंग, तो चलिए एक टेस्टिंग मजे से आप देख लीजिए। High frequencies. Low frequencies. मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर। SBMM दुनिया को समझा दे आया घर में कुछ अपना घर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर। कैसे लिए टेस्ट में कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस सेटअप का, जरूर नीचे मुझे बताना। अगेन 21 इंच है, मुझे बोलने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो रिजल्ट आता है रोड शो पे आउटडोर पे वो ज़्यादा ही अच्छा आता है। अगेन जो इसका बेस का फैलाव है वो ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे, लो एंड अच्छा होता है 21 इंच का, इस बात का ध्यान रखना। कंपनी मेड है तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अच्छा ट्यून करने के लिए आपको मिल रहा है समय या फिर अगर आप अच्छा यहाँ पे DSP यूज़ करें जैसे कि मैंने बताया DC48 के साथ में, तो और इम्प्रूवमेंट के साथ में बेस आ सकती है। बाकी यहाँ पे टॉप 4 हो जाते हैं, 2 बेस हो जाती हैं, ये 3 एम्पलीफायर हो जाते हैं, टॉप के एम्पलीफायर 4 ओम्स पे चल रहे हैं, बेस जो है वो बेसिकली 2 ओम्स पे चल रही है, ध्यान रखना। मिक्सर में सिलेक्शन मैंने आपको दे दिया है, वायर अगर आप लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग वायर भी बनवा सकते हैं। कवर्स का जैसे मतलब ऑप्शन है कवर्स के, आपको कवर्स के एक्स्ट्रा चार्जेस के और क्वालिटीज़ जो है वो अलग अलग हमारे पास मिल जाएंगे। और दोस्तों बस टेस्टिंग बता देना कैसी लगी, बाकी नीचे कमेंट्स करो कौन कौन यहाँ पे डायनामाइट का बेस यूज़ कर रहा है। बात करूँ अवेलेबिलिटी परचेज करने के लिए तो आपको यहाँ पे एक नंबर शो कर देता हूँ, नीचे भी दे दूंगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एड्रेस देख लीजिए, यह है एड्रेस, यहाँ से आप आके हमसे मिल सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।